जी साहब का शुक्रिया, इंतज़ामिया का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इजहार ख्याल के लिए दावत दी। मीर गुलाम कादिर साहब माशाल्लाह बहुत ही फसीह और बलीग अंदाज में बहुत सी बातें कर गए हैं, तो अब रहने कुछ कहने को बचा नहीं बाकी। लेकिन एज ए कुलीग, जब मैं 2007 में यहाँ पे आया था तो उस वक्त FSC क्लास नहीं थी, तो अब्दुल मालिक साहब के साथ इनकी क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ था। 3-4 साल हमने इकट्ठे काम किया, क्लास पढ़ाते रहे। मैं बिला तवक्कुफ़ ये बात कह सकता हूँ कि इन जैसा रेगुलर, हम्बल और इंतहाई कोऑपरेटिव टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इन्हें उन खसूसियात से नवाजा है जो अक्सर लोगों में बहुत कम पाई जाती हैं। एक बात जो अक्सर मैं फील करता हूँ हम असाज़ा कराम में होती है कि हम कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे होते हैं, लेकिन मैंने इन 2007 से आज तक, मतलब 13-14 साल बनते हैं, मैंने कभी अब्दुल मालिक साहब को गुस्से में या लड़ते हुए या चिड़चिड़े नहीं देखा कभी भी इनको। और मैं समझता हूँ कि इनकी ज़ात का बहुत बड़ा पहलू है। अल्लाह पाक इनके लिए रिटायरमेंट के बाद वाले जो अयाम हैं उनमें आसानी फरमाए। इन्होंने जिस मेहनत से, जाफिशानी से, रेगुलरिटी से, पंक्चुअलिटी से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दिए, अल्लाह पाक उसका अजर इनको देगा। डिपार्टमेंट कुछ नहीं दे सकता, आपको पता है डिपार्टमेंट तो जस्ट बस 2-4 मिनट का एप्रिसिएशन होता है, लेकिन जो इनके स्टूडेंट्स इस वक्त ज़िंदगी में कामयाब हो चुके हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पर मौजूद हैं, वो इनकी मेहनत, इनके खलूस और इनके लगन का मुंह बोलता सबूत है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इसी तरह खुश व खुर्रम शादो आबाद रखे, और इनके लिए जिस तरह से इन्होंने पुरखलूस तरीके से मेहनत की है, अल्लाह पाक इनकी औलाद को, इनके बच्चों को भी इसी तरह कामयाब करे। आखिर में फिर तो शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम दोस्तों का और ख़ास तौर पे प्रिंसिपल साहब का, कि उनसे ये रिक्वेस्ट लास्ट टाइम भी हुई थी कि हमारे फंक्शन इकट्ठे हुआ करें सेकेंडरी स्टाफ और हायर सेकेंडरी स्टाफ के, तो इसकी जो रौनक है, जो इसकी सूरत हाल है, इसका मज़ा ही और है। तो मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह पाक हम सब को इसी तरह से मुत्तहिद मुत्तफिक रखे। बहुत शुक्रिया।